क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनाम सिंह प्रजापति है, मैं इस मार्केट का अध्यक्ष हूँ सर। नहीं, किस तरह से आग लगी? आग सर ये ट्रांसफार्मर एक लगा है जो हम अंदर घुसेंगे उसी में दरवाजे के सामने, तो हर बार वहीं से शिकायत मिलती है और कई बार इसकी शिकायत भी की गई है कि ये ट्रांसफार्मर यहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह पर लगाया जाए। और ये एक बार का मामला नहीं है, 4-5 बार इस तरह से आग लग चुकी है और सभी दुकानदार साहब फिर भी ये मांग करते हैं कि वो ट्रांसफार्मर अगर वहाँ से हट जाए तो आइंदा के लिए हम लोगों को ये सुविधा मिल सकती है कि इससे हम निवारण पा सकते हैं। कितनी दुकान जल गई हैं? अब क्या बताऊं सर, 50-60 दुकानें कम से कम जली होंगी, पूरी मार्केट ही खत्म हो गई। जो पीछे मार्केट आप देख रहे हैं पूरी मार्केट खत्म हो गई। देखिए, हम लोगों को लगभग 1 घंटा पहले सूचना मिली कि काट बाजार जो जहाँ पे अस्थायी दुकानें हैं वहाँ पे फर्नीचर का काम होता है, थाना उत्तर क्षेत्र में है, वहाँ पे किन्हीं कारणों से आग लग गई। इस सूचना पर तत्काल हमने जनपद के अन्य जो फायर स्टेशन हैं, चाहे जसराना, सिरसागंज, सुकोहाबाद, यहाँ की गाड़ियाँ को भी हमने रवाना किया। टूंडला की गाड़ी को रवाना कराया गया, उसके बाद यहाँ पे गाड़ियाँ पहुँची और आग बुझाने का काम शुरू हो गया। क्योंकि आग बड़ी थी और यहाँ पर अस्थायी दुकानें थी, फर्नीचर की दुकानें थी, इसलिए आग जल्दी बढ़ गई। इसलिए हम लोगों ने आसपास के जनपद हैं मैनपुरी, एटा, मथुरा, आगरा, इनसे भी हमने मदद ली, उनकी गाड़ियाँ भी रवाना हो गई, पहुँचने वाली हैं। हमारी यहाँ पर गाड़ियाँ आग बुझाने का काम कर रही हैं। आग को हम लोगों ने एक जगह पर कंटेन कर दिया गया, अभी पूरी तरह से उस पर हम लोग काबू नहीं पाए हैं। आसपास के जो आबादी इलाके हैं उनको हम लोगों ने खाली करा दिया है, प्रयास से चल रहा है कि शीघ्र ही हम लोग आग पे काबू पा लें। कोई जनहानि वगैरह कोई नहीं, जनहानि के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है, अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। लगभग 2 दर्जन दुकानें अभी तक जली हैं। Thank you.